हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जीडी में। मैं हूं आपका दोस्त घनश्याम धनगर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए भूकंप से जुड़े हुए 20 से अधिक प्रश्न लेकर आया हूं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम भूकंप को समझने का प्रयास करेंगे। भूकंप से जुड़े हुए घटनाओं पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो, जिसमें है भूकंप से जुड़े हुए प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, पुनश्चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पुनश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों रीड ने। रीड नामक जो विद्वान थे, उन्होंने पुनश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ दोस्तों, ये भूकंप से जुड़ा हुआ वीडियो है, तो इसमें भूकंप से जुड़े हुए प्रश्न ही हम देख रहे हैं। और पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भूकंप से। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप की तीन तरंगें होती है दोस्तों, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड एल वेव्स। इनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक जानकारियां भी प्राप्त की जाती है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप का केंद्र। भूगर्भ में मतलब पृथ्वी के अंदर कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो वो है दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे पृथ्वी पर बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दीर्घ पृष्ठीय तरंगे हैं जो हमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो अंतःसागरीय भूकंप मतलब पृथ्वी पर समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है दोस्तों, उससे सुनामी उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर समुद्र के अंदर भूकंप आने से लहरें उठती हैं, और वे लहरें जब सागर तट पर आकर टकराती है, पृथ्वी से टकराती है या भूमि से टकराती है, तो वो सुनामी कहलाती है। सुनामी एक जापानी शब्द है दोस्तों। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? समुद्रों के अंदर आने वाले भूकंप। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो इसे बोलते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जहाँ पर जापान स्थित है। जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी है जापानी भाषा का शब्द। जापानी भाषा में सुनामी का तात्पर्य होता है दोस्तों, गोदी बाड़े की लहरें या जो बंदरगाह है उन पर जो लहरें टकराती हैं, उनको सुनामी जापानी भाषा में कहते हैं। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो वो स्केल है दोस्तों रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे या रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूकंप का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान बर्बादी अर्थात दोस्तों, जब भूकंप आता है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उसे बोलते हैं बर्बादी। और जब इस प्रकार की समान बर्बादी एक ही लाइन में होती है, तो उसको बोलते हैं सहभूकंप रेखा। जैसे कि ये रेखा है, इस प्रकार से अगर समान नुकसान हर जगह हुआ है, तो ये सहभूकंप रेखा, या इसे आइसोसिस्मल रेखा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे आइसोसिस्मल रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अग्निवलय। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जापान इस अग्निवलय पर ही स्थित है। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है, बल्कि जल में होती है? तो उसको बोलते हैं सुनामी। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप का अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र दोस्तों, जैसे कि ये पृथ्वी में भूकंप आया और सबसे पहले अगर इस स्थान पर पृथ्वी पर अनुभव हुआ, तो ये भूकंप का अधिकेंद्र कहलाएगा। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो एक वर्ष में जो सामान्यतः भूकंप आते हैं दोस्तों, उनकी संख्या है 8,000 से लेकर 10,000 तक। 8,000 से 10,000 भूकंप वार्षिक तौर पर विश्व में अनुभव किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं भूकंप का मूल। ये कहाँ होता है? तो पृथ्वी के अंदर। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो भूकंप में जो तेज गति से तरंगे आते हैं दोस्तों, उसका औसत वेग होता है 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक है दोस्तों। प्रशांत महासागर के चारों ओर ही अग्निवलय स्थित है,
या जिसे परिप्रशांत महासागरीय भूकंपी पेटी बोलते हैं, और इसी पर जापान भी स्थित है। रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो वो है दोस्तों मर्केली पैमाना। रिक्टर पैमाने पर भी मापते हैं और मर्केली पैमाने पर भी भूकंप की तरंगे मापते हैं। धरातलीय भूकंप में कितने प्रकार किसके आकार की तरंगे होती है? तो वो होती है एल प्रकार की तरंगे। तो दोस्तों ये थे भूकंप से जुड़े हुए प्रश्न, जिनके माध्यम से हमने भूकंप की जानकारियाँ, जैसे कि परिप्रशांत वलय है, किस प्रकार से भूकंप आते हैं, क्या नुकसान होता है, समान भूकंप द्वारा तबाही मचाई गई रेखाओं को क्या कहते हैं, आदि को जानने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके अपने व्यूज़ मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी तुरंत जानकारी मिल जाए। थैंक यू।